HMD ग्लोबल ने नोकिया 8 लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसे फिलहाल ब्रिटेन में लॉन्च किया गया है। भारत नोकिया के लिए पहले से ही बड़ा बाजार रहा है, इसलिए कंपनी भारत में इसे लॉन्च करने में देर नहीं कर सकती। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोकिया इसे भारत में दिवाली में पेश करेगी। भारत में इसकी कीमत क्या होगी, यह बड़ा सवाल है। इसे 40,000 रुपीज तक लॉन्च में किया जाएगा। इस स्मार्टफोन के दो वेरिएंट्स हैं, सिंगल सिम और डुअल सिम। भारत में सिर्फ डुअल सिम मॉडल लॉन्च किया जा सकता है। HMD ग्लोबल का दावा है कि नोकिया 8 में दुनिया का पहला डुअल साइट वीडियो फीचर दिया गया है, जिसके तहत फेसबुक और यूट्यूब पर रियल टाइम किया जा सकता है। डुअल साइट के जरिए एक साथ फ्रंट और रियर कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मार्टफोन में क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 835 दिया गया है। इसमें 4GB रैम के साथ 64GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 256GB तक किया जा सकता है।